स्वस्थ तन ही सुरक्षित मन का आधार है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं तो हमारा मन भी उदास रहता है। वो कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। स्वागत है आपका जुबिलन शेड्स में, जिसमें मैं आज स्केच कर रही हूँ एक ऐसी शख्सियत जो भारत के स्वास्थ्य जगत में एक बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में चीफ साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। वो पहली भारतीय हैं जो WHO में इतने बड़े पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले डॉक्टर स्वामीनाथन WHO में ही डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल रह चुकी हैं। वह एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं और TB पर शोध के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने TB और HIV के बहुत सारे पहलुओं पर शोध किया, जिसने TB की रोकथाम में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। डॉक्टर स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन और एजुकेशनिस्ट मीना स्वामीनाथन की बेटी हैं। मेडिकल कॉलेज से MBBS और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली से MD किया है। साथ ही उन्होंने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से डिप्लोमा भी किया है। बाद में उन्होंने चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लॉस एंजेलिस कैलिफोर्निया से पोस्ट डॉक्टोरल मेडिकल फेलोशिप भी की। डॉक्टर स्वामीनाथन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च में डायरेक्टर के पद पर भी कार्यरत रह चुकी हैं। इनको भारतीय चिकित्सा के क्षेत्र में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। यह हम सभी भारतीयों के लिए एक गर्व का विषय है कि आज भारत के डॉक्टर्स को ग्लोबली रिकॉग्निशन मिल रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Thank you.